हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। हम लोग बात कर रहे हैं 21 से 26 फरवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 35 एमसीक्यूज की। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscgltackle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन, आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और sscgltackle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन के लिए। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाला 100वां जिला बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चंबा। नेक्स्ट देखो, पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, बिल गेट्स। नेक्स्ट देखो, सिडबी ने किस राज्य में महिलाओं की सहायता के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखो, भारत ने 18 फरवरी 2022 को किस अरब राष्ट्र के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर हस्ताक्षर किए? तो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देखो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डैश तक क्षमता विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2026। नेक्स्ट देखो, दक्षिण एशिया की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 BSL-3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो, सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की योजना को कब तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2026। नेक्स्ट है, भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का नाम किस संत के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, संत रविदास। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने 19 फरवरी को देश भर के खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए कितने किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, 100। नेक्स्ट है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की घोषणा किस योजना के तहत की गई है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट है, 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में 16.3 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैली किस विशाल रेडियोकास्ट गंगा की खोज की है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, एल्सियोनियस। नेक्स्ट देखो, 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है, यह योजना 2015 को किस राज्य में शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में रिवॉर्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, यानी ओडिशा और कर्नाटका। नेक्स्ट देखो, ईस्टर्न ब्रिज नामक द्विपक्षीय अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, भारत और ओमान। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण नामक एक परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, असम। नेक्स्ट है, तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया को केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, वे किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, शतरंज। नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय देश भर में 75 स्थानों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली विज्ञान सर्वत्र पूजित प्रदर्शनी का आयोजन करेगा? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट BIM की सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, 2025 से 26। नेक्स्ट है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, इटली। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, KN राघवन। नेक्स्ट देखो, किस देश ने एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का
सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी इजराइल। नेक्स्ट है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में एयर थिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी आर प्रगानंदा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य दूसरी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने PMAYG डैशबोर्ड लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना को डैश तक बढ़ा दिया गया है? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी मार्च 2024। नेक्स्ट देखो, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर सी मंडी। नेक्स्ट है, सरकार ने राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति को 2021-22 से डैश तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी 2025-26। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास कोबरा वॉरियर 22 की मेजबानी करेगा? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी UK। नेक्स्ट देखो, केंद्र सरकार ने किस राज्य की ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के ATP 500 चैंपियन बने हैं? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी स्पेन। नेक्स्ट है, VR वनीता ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। नेक्स्ट है, लैवेंडर को जम्मू और कश्मीर के किस जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी डोडा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की थीम क्या है? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी कैमरेडरी कोहेजन कोलैबोरेशन। नेक्स्ट देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर सी भारत और जापान। लास्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन के लिए, सरकार ने किस योजना के सुचारू संचालन के लिए ओम्बड्स पर्सन ऐप लॉन्च किया है? तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी मनरेगा। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी इस वर्ष के लिए थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्टेटहुड डे 20 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी इस वर्ष के लिए थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। केंद्र उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी और विश्व NGO दिवस 27 फरवरी। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन उमा दास गुप्ता। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हू शेप्ड सिलिकॉन वैली जिमी सोनी। अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस प्रियम गांधी मोदी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।